केजरीवाल, अब सोच लो पहली बार तो ऐसा आदमी है जो चोरी में अंदर गया और फिर आया है बाहर। वाजपेयी को देंगे, मोदी ईमानदार आदमी है, योगी ईमानदार आदमी है। अरे हमेशा जब तक जिंदा रहे हम तो चाहते रहे, मुख्यमंत्री रहे, आगे भी बढ़े। अरे आगे बढ़ जाए भगवान चाहे, अच्छी बात है। ऐसे तपस्वी और ईमानदार आदमी को आगे बढ़ना चाहिए। जो आज भी तख्त पर सोता है, सादगी से रहता है, उसको कोई लेना देना नहीं है, लूट का माल नहीं ले जाता हो, ये तो मोदी जी की बल्ले बल्ले है। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ अर्जुन खजूरिया और आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। अब हमारी टीम आ पहुंची है नवाबों के शहर लखनऊ में। जी हाँ, आपको बता दें इस समय हम यहाँ की बेहद फेमस शर्मा जी की चाय के बाहर मौजूद है। चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, लेकिन शर्मा जी की चाय पर जो है भीड़ इसी तरीके से लगी रहती है, चाहे कितनी भी गर्मी आ जाए। देख सकते हैं आप इस समय शाम का वक्त जो है हो चला है और लोग अब जो है घरों से बाहर निकलना शुरू हुए हैं और चाय की चुस्कियों का आनंद जो है वो यहाँ पर ले रहे हैं। चलिए बात करेंगे इनसे, चाय की चुस्कियों के आनंद के साथ साथ चुनावी चर्चा करेंगे, क्योंकि आज यहाँ पर जो चुनावी जो रणभूमि की अगर बात की जाए, इसमें जो बदलाव देखने को मिला, अरविंद केजरीवाल बाहर निकले और आकर के जो उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को 2 महीने के अंदर मोदी जी हटा देंगे, तो ये उसके बाद अमित शाह भी जो है उन्होंने आए और प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि 5 साल तक नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री रहने वाले हैं, क्योंकि अमित शाह का भी जिक्र किया गया था कि मोदी जो वोट मांग रहे हैं वो अमित शाह को पीएम बनाने के लिए मांग रहे हैं। आइए अब जनता से चर्चा करेंगे, जानेंगे उनकी राय कि उनको क्या लग रहा है ये पूरा मामला। सर क्या नाम हुआ आप? आलोक नाम है मेरा। आलोक जी यहीं से हैं, लखनऊ से? जी जी लखनऊ से। लखनऊ से ही हैं। अच्छा, आज एक जो है वो बड़ा बदलाव देखने को मिला राजनीति में, तो देखिए भीड़ लगातार यहाँ लेकिन बढ़ती जा रही है शर्मा जी की चाय पर। सर क्या नाम आपका? दुर्गा प्रसाद राय। चाय का जो है ये प्याला बहुत बड़ा जी, फेमस है इनकी चाय बहुत। हाँ, एक चाय पी लीजिए, मस्त हो जाइए, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, कोई फर्क नहीं। हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं, चाय सदाबहार। जी जी, ब्रांड बन गया है, ब्रांड बन गया है शर्मा जी का चाय, ब्रांड बन गया। बिल्कुल बिल्कुल। चुनावी ब्रांड क्या कह रहे हैं? चुनावी ब्रांड देखिए, ये तो अब लोकतंत्र का पर्व है, ये हमारी जनता भगवान पर है, तो ये निर्णय अब जनता के ही हाथ में है। अब ये कह पाना बड़ा मुश्किल लग रहा है। वैसे तो मोदी जी की बल्ले बल्ले है, मोदी जी की बल्ले। बिल्कुल बिल्कुल जी। केजरीवाल जी आज निकल के बोल रहे हैं 220 से ज़्यादा नहीं आएगी बीजेपी, इस पर नो कमेंट। आप क्या कहेंगे किस बात पे? केजरीवाल जी कह रहे हैं कि ये जितना भी कर ले, मैंने लोगों से बात की है जब से मैं बाहर आया हूँ, फोन पर बात कर रहा हूँ, सबसे बात कर रहा हूँ, तो मुझे जो लग रहा है 220 से ज्यादा बीजेपी नहीं आई। जैसे कितने लोगों से उन्होंने एक दिन में बात कर लिया होगा, ये तो वही जान सकता है। तो एक 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 दिन में 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे में जो है 60 से गुणा कर लीजिए, एक मिनट जो है मैंने कितने लोगों से वो बात कर ली होंगी, 1500 जो है, जहां 140 करोड़ की आबादी है वहां जो है 1500 लोग डिसाइड करके बता देंगे। कुछ नहीं, बस केवल मोदी, हर हर मोदी, घर घर मोदी। अच्छा, यहाँ पे तो ये भी बात की जाती है डबल इंजन सरकार मोदी योगी, तो वो कुछ डुओ काम करता है या योगी सरकार का कुछ? एकदम दिखता है, दिख रहा है, गुंडाशाही समाप्त हो गई है कहीं जो है, जहाँ मैंने अभी आप होते इस समय तो देखते 20 लोग जो है गन लेके आपको चलते हुए नजर आते कहीं, आप की बात बता रहे हैं, काफी पहले की बातें हैं। हाँ, अब जो है कहीं गन दिखती नहीं है, ऐसा मंजर आपने देखा अपनी आंखों? हाँ नहीं, मैंने शौक में लोग लेके गन चला करते थे, अब तो वो बंद हो गया है। तो योगी जी के आने से फर्क पड़ा? निश्चित रूप से। चाहे लोकसभा चुनाव है लेकिन उनकी भी भूमिका काफी अहम मानी जा रही है, 80 लोकसभा। एकदम यूपी में तो बाबा बाबा। हाँ बाबा। राजनाथ सिंह जी भी मैं देख रहा हूँ, वो तो पूरे देश भर में प्रचार कर रहे हैं, लखनऊ में कम नजर आ रहे हैं, यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। जान रहे हैं ये नवाबों का शहर है, पहले से तहजीब और उसकी नगरी है, तो लोग जान रहे हैं अच्छे व्यक्ति का ही चयन है यहाँ से, मतलब निकाल चुके हैं कोई, तो इसलिए यहाँ प्रचार करने का क्या जरूरत है? जरूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं। चलिए चलिए ठीक है, धन्यवाद सर। सर आपका क्या नाम हुआ? शिव नारायण तिवारी। यहीं से हैं? लखनऊ से। हाँ है तो यहीं पर। अच्छा, कितनी उम्र हो गई आपकी? 70 पार, 370 नहीं, 70। 70 पर। तो कई चुनाव देखे आपने लोकसभा के, इस बार के चुनाव का क्या आपको मिजाज लग रहा? क्या मतलब? कई चुनाव आपने देखे अपने जीवन में लोकसभा के,
इस लोकसभा चुनाव में क्या मिजाज लग रहा आप? मिजाज ठीक है, बीजेपी गवर्नमेंट बनाई और क्या बनाई, केजरीवाल जी छूट के आए हैं बाहर। अरे बोल रहे हैं बीजेपी 220 से नीचे रह जाएगी। अरे बोलने का अधिकार है, हाँ। बोलने का अधिकार है, उसमें कोई रोक थोड़ी है। वो तो ये भी बोल रहे हैं कि मोदी 2 महीने बाद योगी को हटा देंगे। ठीक है, बता दिया आपको ना कि बोलने का अधिकार है, कुछ भी बोले आए भाई साहब, सब जिसको तो कोई बोल रहा है। तो जनता का क्या रिएक्शन है इस पर? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के लिए कहा जा रहा है कि 2 महीने में तो मोदी हटा देने वाले हैं, इनको राजनीति खत्म कर देंगे योगी। ऐसा कुछ नहीं, ये सब भाषाएं हैं, ये सब भाषाएं हैं नेताओं की, ऐसा कुछ नहीं। वोट मिलेगा इससे जनता का? हाँ हाँ, वोट मिलेगा बीजेपी को, मिलेगा बीजेपी को मिलेगा। हाँ बोल रहे हैं केजरीवाल वोट मिलेगा बीजेपी को। हाँ तो यानी कि इसका जो बातें केजरीवाल बोल रहे हैं उसका मतलब वो बाहर निकले हैं तो फायदा बीजेपी ले जाएगी। केजरीवाल अब सोच लो, पहली बार तो ऐसा आदमी है जो चोरी में अंदर गया और फिर आया है बाहर। हाँ। इस पर भी बयान दिया उन्होंने, कहा कि मैंने इस्तीफा इसलिए नहीं दिया क्योंकि मैं जो है मैं पद नहीं चाहिए मेरे को, मैं तो 10 साल तक झुग्गियों में बैठ के मैंने काम किया लोगों। कभी ये भी तो कहते थे जरा सा आरोप लगे तो पद से त्याग पत्र दे देना चाहिए, कहा था ना। फिर तो फिर उनको कुछ याद ही नहीं है तो उनकी मेमोरी चली गई। ये है मामला जी। आपका क्या नाम है? रामकृष्ण मिश्रा। जो ये कह रहे हैं यही साथ है हम लोग। वोट देने तो अलग जाओगे आप, क्या आप में अलग से लगाएंगे? तो भाजपा को देंगे। भाजपा को ही? हाँ। क्यों देंगे भाजपा? भाई काम कर रहे हैं भाजपा वाले, मोदी ईमानदार आदमी है, योगी ईमानदार आदमी है। योगी जी काम कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं। डिसिप्लिन मेंटेन किया है उत्तर प्रदेश में, और हटाने ना हटाने की ये हवा है ऐसा कुछ नहीं अंदर। तो केवल केजरीवाल जी का स्टेटमेंट? हाँ उससे कुछ नहीं, उनका अधिकार है बोलने का, मौलिक अधिकार है, चाहे जो बोले भाई। जनता कैसे देख रही योगी जी को? किसको रहना चाहिए अभी योगी जी को? अरे हमेशा जब तक जिंदा रहें हम तो चाहते रहें। हाँ मुख्यमंत्री रहें, आगे भी बढ़े? अरे आगे बढ़ जाए भगवान चाहे, अच्छी बात है। ऐसे तपस्वी और ईमानदार आदमी को आगे बढ़ना चाहिए। जनता में एक्सेप्टेंस है? हाँ बिल्कुल है, बिल्कुल है, बिल्कुल। ईमानदारी की इच्छा भी है, डिसिप्लिन की इच्छा भी है। डिसिप्लिन मेंटेन किया? मेंटेन किया, मेंटेन किया। मंत्री है जो आज भी तख्त पर सोता है, सादगी से रहता है, उसको कोई लेना देना नहीं है, लूट का माल नहीं ले जाता वो, है ना। ऐसा फिर विपक्ष क्यों बार बार की देश बेच दिया, ये बेच दिया, सब बेच दिया? विपक्ष का काम है वो कहना, क्या करे ना कहेगा, बोले ना विपक्ष को बंद कर दोगे, ऐसा नहीं है। विपक्ष का काम है, वो अपना काम कर रहा है, लेकिन फायदा बीजेपी को हो रहा है। फायदा बीजेपी को। और भी लोग हैं उनसे चर्चा करेंगे। सर क्या नाम हुआ आपका? जसमीत। जसमीत जी कहाँ के रहने वाले? लखनऊ के। लखनऊ के ही हैं। बस सब कुछ दिन बाकी रह गए हैं, चुनावी मिजाज क्या चल रहा है यहाँ पर, क्या लग रहा है? सर अभी तो कुछ नहीं कह सकते, इस बार तो 50-50 वाला हिसाब किताब है। आपके हिसाब से आपकी चॉइस को थोड़ा 51-49 तो होगा? सर कुछ नहीं कह सकते, ग्राउंड रियलिटी पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है अभी हम लोग कुछ कमेंट नहीं कर सकते। वो तो वही है, एंड डे बताएगा, डी डे बताएगा आपका कि क्या आप कौन जीतने वाला कौन हारने वाला है। अभी आपने पर्सनल चॉइस नहीं बनाई? नहीं अभी तक कुछ नहीं। आपका क्या नाम? चरणजीत सिंह। लखनऊ से? नहीं हम लखनऊ से नहीं, लखनऊ से नहीं है। कहाँ से है? बॉम्बे से। बॉम्बे से? हाँ। अच्छा बॉम्बे में भी तो अभी चुनाव बाकी है। हाँ 20 तारीख है मेरे ख्याल से। 20 तारीख। तो क्या चल रहा है बॉम्बे में, क्या कह रही है मायानगरी, क्या कह रही है? अब तो पता नहीं, देखो इलेक्शन के दिन भी पता लगेगा रिजल्ट क्या लगता है, बट चांसेस तो 50-50 लग रहे। और बाकी देश भर के हिसाब से आपको क्या लग रहा है इस बार? बोल नहीं सकते अभी कुछ। महाराष्ट्र में तो वैसे ही बहुत शिवसेना, एक शिवसेना दूसरी एनसीपी, एक एनसीपी फिर दूसरी बीजेपी कांग्रेस, वहाँ तो ज़्यादा इस टाइम मिक्सचर है। अब तो वहाँ पे इतना मिक्सचर चल रहा